हाय लोग, कैसे हो? फिर से स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 9, तो मैंने सुबह सुबह ब्लॉग वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों बाहर बहुत सुंदर धूप खिला दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम जाएंगे एक दुकान में, स्टेशनरी की दुकान में। वहाँ पर मुझे जाके नोटबुक खरीदना है दोस्तों। फिर मुझे बाजार बाजार जाना है, मिठाई दुकान पर जाना है, जाके मुझे घर बनाना है। घर बनाने के बाद हम आज कुछ बनाने का सोच रहे हैं दोस्तों, कुछ बनाएंगे। तो चलिए अभी हम जल्दी से निकलते हैं। लेकिन वीडियो को अब तक अगर देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं हम स्टेशनरी की दुकान में आए हैं, यहाँ से हम नोटबुक खरीदेंगे। हेलो, हमारा नोटबुक खरीदना कम्प्लीट हो गया, अभी हम मिठाई खरीदेंगे यहाँ से। गाइस, अभी हम बीच रास्ते में हैं दोस्तों, तो अभी हमें थोड़ा सा और जाना है, उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे। ये देखिए मैं साइकिल पे हूँ, तो चलिए चलते हैं। A few moments later, दोस्तों देख सकते हैं हम घर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। हमें जो जो लाना था हमने ला लिया दोस्तों। क्या क्या लाया मैं आपको दिखाता हूँ अभी। भाई लोग ये देखो, मैंने सीजर लाया है, ये ग्लू लाया है, और ये दोस्तों देख सकते हैं, और ये कार्डबोर्ड का बॉक्स लाया दोस्तों। तो ये हमें लगेगा एक चीज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े वापस बदल लेता हूँ। तो भाई लोग आज हम बनाएंगे YouTube का सिल्वर प्ले बटन। तो हर कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, वीडियो को तो फिर लास्ट तक देखना दोस्तों। मेनली जो YouTube का जो सिल्वर प्ले बटन होता है वो मेनली एक A4 पेज के साइज जैसा होता है। तो दोस्तों मैंने एक कंप्यूटर की दुकान में गया और यहाँ से मैंने ये प्रिंट आउट निकाला है यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन का। देखिए दोस्तों, क्योंकि सिल्वर का कलर इससे बहुत ही अच्छा आता है। देखिए दोस्तों, कुछ ये कुछ ऐसा दिखता है, मैंने निकाला है, पूरा रियलिस्टिक लगता है ये, और एक A4 पेज के साइज जैसा ही है ये। तो हम इसे A4 पेज के साइज जैसा ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनके हर एक पार्ट को अलग करना है, यानी कि ये जो स्क्वायर है बीच में इसे अलग करेंगे, और अंदर का जो ये ट्राइंगल है इसे भी हमें अलग कर देना है। तो चलिए पहले से कैची से इन सबको अलग कर देते हैं काट के। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने इसके हर एक पीसेस को सीजर से काट के अलग कर लिया है दोस्तों। देखिए इसे हम सीजर से काट के अलग कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने ऐसा, ये जो बाहर का जो फ्रेम है इसे हमने लिया है, और इसके साइज जैसा एक कार्डबोर्ड लिया है। अब इसे इसके ऊपर रख के दोस्तों हमें इसे ट्रेस करना है, और अंदर का जो हिस्सा है इसे हमें कैची से काट देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसे मैं काट देता हूँ। तो दोस्तों आपने देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से अच्छी तरह से कट लिया दोस्तों। इसमें बीच में जो कार्डबोर्ड था उसे हमने हटा दिया दोस्तों। ये देखिए ये है वो, इसे साइड में रखते हैं, और ये दोस्तों ये देखिए, अब इसको हम ऐसे इसके ऊपर चिपका देंगे, लेकिन बाद में, सबसे पहले हमें कुछ और करना है। तो दोस्तों अब हम इस पार्ट को लेके इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगाएंगे, तो इससे लगाने से एक अलग से लुक आ जाएगा, एकदम रियलिस्टिक लगेगा। तो चलिए इसे हम चिपकाते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसे सूखने के लिए साइड में हम रख देते हैं। तो दोस्तों अब हमें इन कार्डबोर्ड स्ट्रैप्स को लेके यहाँ पर चिपकाना है, तो चलिए जल्दी से हम चिपका देते हैं ग्लू से। सूखने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सूख चुके हैं, तो अभी हमें इसे लेकर ऐसे लगाना है, तभी एक बढ़िया सा इसका लुक आएगा। तो लेकिन सबसे पहले हमें ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर, इन्हें हमें ढकना होगा वाइट पेपर से। तो चलिए इसे कवर करते हैं सबसे पहले, ये इस तरह से पेपर को लेकर हमें ऐसे पेपर को लेना है। एक ग्लू क्यों निकल रहा है भाई। ऐसे ही हमें बाकी सारे साइड्स को इन पेपर से ऐसे ऐसे कवर कर देना है, जैसे इस तरह से यहाँ पर एक सुंदर सा एक वाइट कलर का लुक आएगा। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्हें पूरे साइड में मैंने अच्छे से वाइट पेपर लगा दिया। देखिए ये कितना स्मूथ लग रहा है। अब इसको हम ऐसे लेकर चिपकाएंगे ग्लू से, तो चलिए इसे जल्दी से चिपका देते हैं।
अभी से ड्राई होने देते हैं। A few inches later. तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से सूख चुका है दोस्तों, एकदम परफेक्टली। देखिए अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमें ये कार्डबोर्ड को लेना है और यहाँ पर इसे रखना है, और इसका जो ये ट्राइंगल है इसे हमें ग्लू से चिपका देना है। तो चलिए जल्द से हम इसे चिपका देते हैं। तो चलिए इसे सूखने देते हैं। तो दोस्तों हमने इसे अच्छे से लगा दिया, सूख भी चुका है। तो हमें इसके उल्टे तरफ एक और कार्डबोर्ड पीस लगाना है, तो चलिए उसे लगाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हमें ये जो पीस है इसके पीछे ये लगाना होगा, तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और ये जो पीछे का ये जो सारा माल है ये कवर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसे ग्लू से लगा देते हैं। तो अभी हमें इसे अच्छे से दबा देना है जिससे कि ये ग्लू अच्छे से इस पे लग जाए और ये एकदम फिक्स हो जाए। अभी हमें इसके जो साइड्स दिख रहे हैं ना, इस साइड्स पे भी अच्छे से पेपर लगा देना है जिससे कि ये भी एकदम कवर हो जाए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर हम व्हाइट पेपर लगा देते हैं। ऐसे ही इसके सारे कॉर्नर्स में हमें पेपर लगा देना है जिससे कि ये पूरा एकदम कवर हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से पूरी तरह से एकदम सारे साइड से कवर कर दिया है। तो चलिए इसके सूखने का वेट करते हैं। भाई लोग ये अच्छे से सूख चुका है। तो अभी हमने जो प्रिंटआउट निकाला था इसका जो मेन जो पोर्शन है सिल्वर का, वो हमें इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। तो चलिए जल्दी से इसे हम लगा देते हैं। तो चलिए इसे सूख जाने का वेट करते हैं। A few inches later. गाइस फाइनली हमने हमारा सिल्वर प्ले बटन अभी बना लिया है। ये देखिए दोस्तों कितना रियलिस्टिक लग रहा है, बहुत ही ऑसम इसका लुक लग रहा है। एकदम कोई नहीं बोल सकता कि ये नकली है, अगर दूर से देखेगा तो कोई इसे नकली बोल ही नहीं सकता। यहाँ पर मैंने इसे पेपर की वजह से इसे एक बहुत ही सुंदर एक लुक मिला है। देखिए यहाँ पर जो पेपर लगा है इसके लिए इसको बहुत ही सुंदर एक लुक मिला है, ये पूरा एक 3D लग रहा है। तो भाई लोग ये तो नकली है, अभी तक तो हमें सिल्वर असली प्ले बटन नहीं मिला क्योंकि हमारे अभी तक 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपका सपोर्ट और प्यार सपोर्ट अगर रहा तो मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, फिर मुझे सिल्वर प्ले बटन शायद मिल जाए। तो दोस्तों इसे बनाने में तो बहुत ही मेहनत लगी है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।